हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। और हमको तो पता ही है, आप लोग चिंते ही हैं और कौन कौन मेरे बारे में वीडियो बना रहा है सब मैं देख रही हूँ। वीडियो शेयर करने का ज़रूरत नहीं है और आप लोगों को पता ही होगा। जो लोगों को नहीं पता है, हाँ, मैं पति को छोड़कर भाग गई हूँ। मैं नहीं रहना चाहती हूँ उनके साथ। ठीक, आप सब मेरे बारे में ना वीडियो शीडियो मत बनाइए, अफवाह मत फैलाइए झूठिया का। वो बोल रहे हैं चमार के साथ, दुसाज के साथ प्लांट है का। हम देखने गए थे और जब मैं टीती हूँ वो लवर को रखी थी, तो क्यों रखे थे अपने लाइफ में मेरे को? जब बोल रहे हैं वीडियो में आया के चुमा चाटी करवाई है, प्लांट है का, मैं खुद पकड़ा था, तो क्यों रखे थे उस समय? भगा देना चाहिए था ना हमको, कायला रखे थे। और बोल रहे हैं का सारा सोना लेके भागी है। कितना सोना चाहगा था, कितना सोना चाहगाई चाहगा था, पूछिए नहीं आप लोग। जो लोग के पास वो आ रहे वीडियो बनवा रहे, बोल रहे सारा सोना लेके भाग गई है, ये लेके भाग गई है, तो आप लोगों को क्यों नहीं पूछे कितना का सोना लेके भागी है? 50 लाख का, 2 लाख का? वो कितना सोना चाहगाई थी उसकी मम्मी। और रहा बात पैसा का, पैसा सही में मैं लेके आई हूँ, 6,000 था। और सोना तो मैं किसका सोना लेके भागी हूँ? मैं सोना तो लेके आई भी नहीं की हूँ, मैं अपना सिर्फ गाना लेके आई हूँ, एक ठो पायल एक ठो कान में के, तो मैं बिना पायल के आऊँ का? आप लोग बताइए। और बोल रहा है पीतल का थरिया, कोई भागेगा तो पीतल का थरिया लेके भागेगा? आप लोग बताइए, कोई अपना जान लेके भागेगा उस समय? एक से दो सेट कपड़ा लेके भागेगा, थोड़ा बहुत पैसा गाना तो मानते हैं, मान लीजिए गाना लेके भागेगा, कोई पीतल का बर्तन लेके भागता है का? उसके बोल रहा है पीतल का बर्तन सारा लेके भाग गई है, कपड़ा लाता सारा लेके भाग गया, तो कपड़ा तू पहनबे का? तू सौतिया के बोलेगा तो पहनाएगी का? पहनाएगा वो। और बोल रहा है, अभी बोल रहा है कि भाग गई, उस समय कहाँ था जब मुझको बोल रहा था कि तुमको नहीं रखेंगे, डिवोर्स जा रहे लाने? जब मैं भागी थी तो कोई ऐसे ही नहीं भागेगा, कोई किसी को मजबूरी होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है तभी कोई छोड़ता है। मैं तंग आ चुकी थी उनसे, बोल रहे थे कि एल्बम मत करो, वीडियो बनाओ मत। और उसकी मम्मी पूरा फैमिली बोल रहा था कि ये रंडी है, वीडियो बनाती है, तू रंडी हो गई बड़ी, ई हो गई बड़ी, वीडियो मत बनाओ। पूरा दुनिया का जवाब दे, बाप माई इनके, मेरे हस्बैंड जो थे उनके मम्मी पापा सबसे झगड़ा कर करके किसी तरह मैं वीडियो बना रही थी, लेकिन क्या बोले कि चल मेरे मम्मी पापा के पास चल, उसी के पास रह, अब तो कहीं नहीं उन्हें ना रखा। जिंदगी भर हमको डेरा डड्डी में रख रहे थे और झगड़ा होता था बगल से डेरा डड्डी में रूम मालिक से, क्या क्या बोलता था, झगड़ा होता था, मुँह भी नहीं बोलने था, मुँह चुपचाप लेकर रहते थे, कुछ नहीं बोलते थे। एक पत्नी के ऊपर, पत्नी एक लड़े पति के लिए, लेकिन पति कुछ ना बोले पत्नी के लिए, बहुत बहुत मेरा इजी मामला है और बहुत फैमिली मैटर है। और मेरा फैमिली ऐसा, मेरा फैमिली था ना, मैं इसलिए मैं दोबारा उस फैमिली में मैं जाना नहीं चाहती, कभी नहीं जाऊंगी, चाहे मैं कहीं भी रहूं, किसी भी हाल में रहूं, कमा के खा लूँगी। मेरी एगो बच्ची है, मैं अपनी बच्ची को ना कैसे रखना है और कैसे नहीं, एक माँ से ना ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। एक माँ है ना, जब जन्म देने का हौसला रखती है ना, तो उसको पालने पोसने और लाइफ उसका सेट करने का भी हौसला रखती है। ठीक, मेरी 10 गो बच्चियाँ नहीं है, मेरी 1 गो बच्चियाँ है, मैं उसके लिए जो करना होगा मैं करूँगी, लेकिन उसके लाइफ में मैं कभी नहीं जाऊँगी। अब बोल रहा है कि तुम मेरे पास चली आ जा, मैं तुमको रखूँगा। जब तुमको रखना ही होता ना, तो ये नहीं बोलता कि तू इसके साथ चक्कर था, उसके साथ चक्कर था, ये दूसरा था, वो दू चमार था। तुम देखने गए हो, तुम जानते हो चमार दूसरा थे वो लोग, और चमार दूसरा था और तुम जानते भी थे, तो काहे नहीं भागा उस समय, काहे नहीं भागा उस समय, जानते थे ना? अब बोल रहे चुमा चाटी करवाई है पलंग पर, तो काहे रखे थे, काहे नहीं भागा थी उस समय? और इतना अफवाह, वो मेरा पति फुलहा का बर्तन लेके भागी है, कोई फुलहा का बर्तन लेके भागता है का? और
मान लीजिए मैं खुला के बर्तन लेके भागूंगी तो कैसे लेके भागूंगी? बोल रहे कि जाके कहाँ बसी है एकदम लखनऊ में, बाप रे वहाँ का तो नामो नहीं आ रहा है, उतना दूर लेके भागी है। कोई खुला का बर्तन लेके भागेगा तो कोई राजा हो जाएगा, और भागेगा तो मान लीजिए मैं भागी हूँ तो मेरा तो सब मायका का मेरा चौगा हुआ था, बर्तन सर्तन ये सब मेरे तो पप्पा मम्मी चहगाए थे। अभी चार पांच को बर्तन चहगा था, चार पांच को बर्तन, अभी ये सब थी ऐसा बर्तन, कितना झूठ बोल रहा है। खुला के बर्तन लेके भागी है और गाना है बोल रहा है, गाना एक दो था मैं अपना लेके आई हूँ पायल कानने के, और पैसा मेरी एक आगे पीछे बची है तो मैं नहीं लेके आऊँगी का गाड़ी भाड़ा, जो भी मैं कैसे रहूँगी, कितना लेके भागी हूँ, 1 लाख 2 लाख हल्ला कर रहा है, पैसा लेके भागी है, 6,000 रुपया था, 6,000 में 400-600 कम ही था, मैं लेके आई थी क्योंकि मेरी एक बच्ची है उसको देखना है। आजा गोदी में आजा। और हाँ विष्णु भैया आप बड़े हैं, बड़े क्या हैं आप उम्र, अरे चुप रहा वीडियो ही बनाए दे रहे, देख लीजिए मेरी बच्ची कैसे रो रही है, फुंसी हो गया है का? अरे चुप 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 चुप, विष्णु के घर गए थे मेरे हस्बैंड, मैं देखी, और आप भी बोले हैं कि अगर आपका गलती है तो एक्सेप्ट कीजिए और घर आइए। नहीं मेरा गलती है, और रहा बात उनका तो वो खुद बोल रहे थे कि तुमको नहीं रखेंगे, डिवोर्स दे, तोरा चक्कर में हम मार ना खाएं, जिंदगी ना बर्बाद करा, बगल से झगड़ा होता था तो बोलते थे कि झगड़ा हो रहा है, झगड़ा रूम बाद हो रहा था, तो ये वो मैं तंग आ चुकी थी इवेंट पर आते रहते और उनके लाइव से, क्योंकि मैं यूट्यूब पर बहुत पुराना हूँ, जो लोग भी यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं उन लोगों को पता होगा मैं भी यूट्यूब पर बहुत पुराना हूँ, तब ये बस बड़े बड़े यूट्यूबर थे आर के रजनी कौशल, कन्हैया ईसानी और विष्णु जी, गोरखपुरिया भाजी, यही बस बड़े बड़े यूट्यूबर थे उस समय। फिर ये थे क्या नाम है, मैं गई थी घर पर उनके घर, सब बड़े बड़े यूट्यूबर थे उस समय, कोई नहीं था, तब से मैं वीडियो बना रही हूँ, भला ही मेरा सब्सक्राइबर नहीं है लेकिन बहुत मैं पुराना हूँ, तब से मैं वीडियो बना रही थी, और मेरा वीडियो डिलीट हो गया, 3,000 वीडियो था उस समय मेरा, बड़ा चैनल रानी कुमारी, स्टार रानी कुमारी है, जो पहले रानी कुमारी था उस पर मेरा वो पॉपुलर वीडियो बहुत सारा था, बहुत सारा वीडियो, और पूरा वीडियो डिलीट हो गया, बचा वही जो एकोलूर का वीडियो नहीं है, जो पहले मुझको वीडियो बनाने का आइडिया नहीं था, कैसे बनाया जाता है, कैसे डांस किया जाता है, कैसे भाव दिया जाता है वीडियो में, कुछ कलूर नहीं था, तब का वो सब वीडियो है मेरा, और मेरा सारा वीडियो डिलीट हो चुका है, तब का तो मेरा चैनल भी ग्रो नहीं कर रहा है, अब पूरा चैनल बैठ गया है, और उस समय मैं कहाँ कहाँ सपोर्ट नहीं मांगी, जब डिलीट हुआ था कोई सपोर्ट नहीं किया, एक ही सपोर्ट किए, क्या नाम है उनका, वही मेरा चैनल देखे, 3 गो वीडियो वापस लाए, वही गोरखपुरिया भौजी के घर पर वो जाते हैं, क्या नाम है, नाम नहीं आ रहा, दीपू लोग, वही मुझको सपोर्ट किए। उस समय अगर मान लीजिए मेरे हस्बैंड पढ़े लिखे रहते तो वीडियो कब से डिलीट हो रहा है, मेरा मोबाइल में कौन लॉगिन किया है, मेरा चैनल सब देखभाल करते तो मेरा चैनल डिलीट नहीं हुआ होता, मैं मेहनत कब से कर रही हूँ और आज तक यूट्यूब से उतना इनकम में नहीं कमाई, क्यों, क्योंकि मेरे हस्बैंड पढ़े लिखे नहीं थे, इसी वजह से मैं डर खुद के दम पर मैं वीडियो बनाई, दुनिया से लड़के में वीडियो बनाई, सास ससुर माई बाप कहाँ कहाँ ग्रंडी बोचड़ी याल जाल सुन सुन में वीडियो बनाती गई, और जब मुझको कामयाबी मिला, जब मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ तो मेरा हस्बैंड बोलने लगा कहा कि तू वीडियो बनाना छोड़ दे, सास ससुर बोल रहे थे, सास ससुर का भी झगड़ा सुनी, सास ससुर भी जो ना ये सब तो फैमिली मैटर है, बट मैं इतना बता देना चाहती हूँ
फैमिली कैसा फैमिली है मैटर। अब तो फैमिली को मैं फैमिली में भी जाना भी नहीं चाहती, कभी भी नहीं जाऊंगी। मैं जहां भी हूं सही हूं और अच्छा हूं, आप लोग टेंशन मत लीजिए। रहा बात मेरे बेटी का, रहा बात उसका, वो बोल रहा है मेरी बेटी, तू तो खुद बोल रहा था कि मेरी बेटी नहीं है, मैं तुमको नहीं रखूँगा। हम बोले कि तू बेटी के रख ले, ठीक बाम ना रख बेटा हम रखे, अतः मेरी बेटी नहीं है, बोल देंगे जो भी आएगा मेरी बेटी नहीं है। तो अब कैसा बेटी काय लड़ू रहा है, दिखा रहे पूरे दुनिया को कि मैं रानी का पति हूँ। उस समय पति कहाँ था जब बोल रहा था वीडियो नहीं बनाना है, तू रंडी है। आओ बगल के लोग बोल रहे थे जब झगड़ा कर रहे थे, उस समय पत्नी नहीं थी जब पूरा घटिया घटिया बात मुझको बोल रहे थे, जब तू एक शब्द नहीं बोला। बहुत ईजी मामला है, बहुत सारा बात है। और हाँ, खुद बोल रहे थे कि रनिया तो रकम ना रकम तलाक दें, तंग आ चुकल बनी वो फलान ठेकान। आप हमसे तंग आ चुके थे, मैं आपसे तंग आ चुकी थी। आप पढ़े भी लिखे नहीं थे, आप रेंट पर मुझको रखते थे, बहुत और बहुत बात। तो आप भी तंग आ चुके थे, मैं भी तंग आ चुकी थी, इसलिए मैं अपने बेटी को लेके थोड़ा बहुत पैसा लेके आई थी। रहा बात गहना का, तो एक दो थान गहना लेके आई हूँ। लौकी टेगो बोल रहे हो, हाँ मैं झूठी नहीं हूँ, ना मैं झूठ बोलती हूँ, मैं जो की हूँ बोलूँगी। पायल था मेरा, एक लॉकेट था जो मैं तुमको बनवाई थी वो, और मेरा कान में का था, और क्या लेके आई हूँ तुम बताओ। राह मंगल सूत्र तो टूट गया है, टूट गया था, एक टीका था, और क्या था मेरे लाइफ में, क्या है, कितना गहना दी हो तुम। जब गहना होता, खैर छोड़ो वो सब बात, वीडियो लंबा जा रहा है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। और आप सभी का मैं वीडियो देखती हूँ, तो इसलिए आप लोग मेरे बारे में वीडियो मत बनाइए, मैं जाऊँ सही हूँ। और आप बात उनके लाइफ में मैं नहीं जाऊँगी, और तुम भी दूसरा शादी कर लो, मैं सही हूँ, मेरी बेटी है ना, मैं देख लूँगी क्या करना है, तुमसे अच्छा ही संस्कार दूँगी उसको, चाहे भी जैसे भी दूँ, मेरी बेटी है ना, मेरा फ़र्ज है, मैं क्या करूँगी क्या नहीं, ठीक है। अब मैं ब्रेकअप लेती हूँ, वीडियो लंबा हो गया, मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी, मैं बताऊँगी आप लोगों को, मेरे बारे में वीडियो मत डालिए आप लोग, मैं सही हूँ।